हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास एचपी का एक लैपटॉप है जिसका मॉडल नंबर है ये, यहाँ पे देखिए आप, इस पे नहीं लिखा हुआ है, बैटरी के नीचे देखते हैं एक बार। ये मैंने बैटरी निकाल ली और यहाँ ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, एचपी प्रोबुक 450G1। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एडाप्टर लगा रहा हूँ इसमें, मतलब डीसी पावर सप्लाई, ये मैंने डीसी पावर सप्लाई लगाई है और आप ये देख सकते हैं इसमें 19 वोल्ट इंसर्ट नहीं हो रही है, कोई लोड नहीं है सप्लाई पे। और ये अगर मैं इसे ओपन कर लूँ तो ये देखिए, ये ट्रिगर नहीं हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार कैमरा को स्टैंड पर लगा लेता हूँ, फिर हम इसे डिसअसेंबल करेंगे और चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसकी डिसअसेंबली शुरू कर रहे हैं, अडेप्टर निकाल लेता हूँ एक बार, और बैटरी मैंने पहले ही निकाल ली है, कवर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसमें स्क्रूज के लिए रबड़ लगी हुई है, निकालना ज़रूरी है, ये निकाल लेते हैं। इसके नीचे स्क्रूज़ हैं, इसके ये निकाल लिया, SSD को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम इसे डिसअसेंबल करना शुरू करेंगे। स्क्रू इसका एक ख़राब है, शायद किसी ने खोला होगा। को निकाल लिया है, अब इसका कीबोर्ड निकालेंगे। कीबोर्ड निकल गया है हमारा, आई थिंक किसी ने खोला तो नहीं है, काफी टाइम से पहले कभी खोला हो तो पता नहीं, बट खोला तो ज़रूर है क्योंकि स्क्रू नहीं है इसमें कई सारे, और अलग अलग टाइप के स्क्रूज लगे हुए हैं तो उससे पता लग जाता है कि खोला तो है किसी ने, बट अभी नहीं खोला है, काफ़ी लंबे टाइम पहले खुला होगा। तो ठीक है, कनेक्टर निकाल लेते हैं एक बार, फिर इसे हम पूरी तरीके से खोल पाएंगे। गलत जगह से खोल रहा था, स्पीकर की वायर रह गई है, इसे भी निकाल लेते हैं एक बार। ये हमारा ओपन हो चुका है बोर्ड, तो आप देख सकते हैं इस पे बुरी तरह से डस्ट लगी हुई है और ये ऑन नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे क्या इसमें ख़राब है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे एक बार इसमें पावर लगाने से पहले इसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डस्ट बहुत है। यहाँ पे कुछ बर्न जैसा दिख रहा है, एक बार देख लूँ।
ये पहले किसी ने रिपेयर किया हुआ है तो उसका जम्पर मारा हुआ है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक बार सप्लाई लगाई है बट कोई रिस्पांस नहीं है, तो मैं बोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ फिर चेक करेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ लगे हैं इसमें इसके पार्ट्स। 19 वोल्ट को जो कवर कर रहे हैं वो, मतलब पास करने के लिए जो कंपोनेंट लगे हैं। तो स्क्रूज बड़े अलग अलग हैं, बार बार स्क्रू ड्राइवर चेंज करना पड़ रहा है मुझे। बोर्ड को निकाल लिया है मैंने, अब मैं इसे साइड कर देता हूँ इस स्क्रीन वाले हिस्से को, और यहाँ रखते हैं बोर्ड। एक बार फिज़िकली देख लेते हैं थोड़ा सा कि कुछ बर्न वगैरह तो नहीं है। नहीं है तो इसे लगाया मैंने यहाँ, अब देखते हैं कि इसमें 19 वोल्ट कहाँ तक पास हो रही है। मल्टीमीटर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो अभी दिखने लग गया होगा। यस, तो इस पे 19 वोल्ट कहाँ पे आ रही है, यहाँ नहीं आ रही। यहाँ ये 20 वोल्ट अवेलेबल है, मॉसफेट के इस साइड 20 वोल्ट अवेलेबल है, इस साइड नहीं है। तो एक बार CLR पे इम्पीडेंस देख लेते हैं, किसी ने यहाँ जम्पर मारा हुआ है ये, यहाँ से यहाँ को। ठीक है, तो CLR इसकी किधर है, एक CLR तो ये है, ये CLR बैटरी की होनी चाहिए। नहीं, 19 वोल्ट की CLR है ये, और यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं है। लगाया मैंने अडैप्टर, ठीक है, तो 19 वोल्ट यहाँ पास नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार बस इसका इम्पीडेंस चेक कर लेता हूँ, इम्पीडेंस ठीक है बट फिर भी ये वोल्टेज पास नहीं कर रहा है। तो गेट क्या कर रहा है इसका, सॉरी वोल्टेज, यहाँ पे कोई गेट अवेलेबल नहीं है और इस पे 19 वोल्ट है, यहाँ पे 20 है। तो यहाँ यानी कि मुझे लो गेट चाहिए ताकि ये यहाँ से आप पास कर सके। ये आई थिंक पी चैनल के मॉस्फेट होंगे, हाँ ये पी चैनल का मॉस्फेट है। अगर इसका गेट लो हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले एक बार हम CMOS बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कई बार RTC रिसेट करने से काम हो जाता है। तो एक बार देखें फिर से, नहीं ये 19 वोल्ट पास नहीं कर रहा है अभी भी। चार्जिंग IC कहाँ लगी हुई है इसकी, BQ करके होनी चाहिए, ये लगी होगी, हाँ ये है, ये चार्जिंग IC है दोस्तों। और इसमें 19 वोल्ट पास नहीं हो रही है, MOSFET मेरा ठीक है जहाँ तक मुझे लगता है। गेट शॉर्ट तो नहीं कर रहा है, ये चेक कर लेता हूँ मैं किसी के साथ, नहीं नहीं नहीं। ये जम्पर किसी ने क्यों मारा है पता नहीं मुझे, एक जम्पर यहाँ भी लगा हुआ है ये,
यहाँ पे दो जंपर लगे हुए हैं इसमें, ये किसने मारे हैं आई डोंट नो क्यों मारे हैं। तो इसका गेट यहाँ पे आ रहा है और एक इसमें से वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट कर रही होगी। एक 19 वोल्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होगी, यानी कि ये ग्राउंड होनी चाहिए और यहाँ पे ग्राउंड होने के लिए किसी मॉस्फेट से कनेक्टेड होगी। इस मॉस्फेट से कनेक्टेड है। जब ये मॉस्फेट ग्राउंड करेगा तो हमारी सप्लाई पास होगी। इस मॉस्फेट को ग्राउंड होने के लिए ये देखिए, ये बहुत ट्रिगर भी हो गया। मैंने उसे खाली मॉस्फेट को चेक कर रहा था मैं, लेकिन गलत रेंज में चेक कर दिया मैंने, तो ये बहुत ट्रिगर हो गया। ये ट्रिगर हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज कम बन गई होगी, देखो 19 की जगह 6 वोल्ट आ गई है। और ये मॉस्फेट जो है वो यहाँ पे 3.3 अवेलेबल हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे भी 0 हो गई, लेकिन अभी भी लाइट नहीं आ रही है इस पर। ये देखो डीसी जैक पे इतनी लाइट आनी चाहिए 35। एक बार निकाल के फिर से लगा रहा हूँ, ये फिर से देखिए इसमें 19 वोल्ट पास नहीं कर रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज है 0। यहाँ पे देखो मैं जैसे ही मल्टीमीटर की प्रॉप टच करता हूँ ये वोल्टेज पास आउट हो जाती है और ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। फिर से एलईडी नहीं आ रही है, देखो इसमें। यहाँ पर 19 अवेलेबल है, यहाँ पर 1.4 है। गाइज ये बोर्ड में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 19 वोल्ट पास नहीं हो रही है, आपको पता ही है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज किया था, एक्चुअली फॉल्ट ढूंढने में टाइम लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा ढूंढ लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो मैंने ये अडेप्टर की पिन लगाई है और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये मॉस्फेट है और मॉस्फेट पे सप्लाई जो है हमारी 20 वोल्ट पास कर रही है, ठीक है। बट इसके दूसरी तरफ वोल्टेज नहीं है और यहाँ इसके गेट पर हाई वोल्टेज है, यानी कि 19, जो कि लो होनी चाहिए 9 वोल्ट से कम। तो मैंने काफ़ी चीज़ें चेक की, वोल्टेज डिवाइडर वगैरह सारी चीज़ें ओके हैं, बट फिर भी इसमें 19 वोल्ट पास नहीं हो रही थी। कभी मल्टीमीटर की प्रॉप कहीं लगाता हूँ तो पास होने लग जाती है, जैसे यहाँ लगाऊंगा इस मॉस्फेट पे, इस वाले के ड्रेन पे, तो वोल्टेज पास हो जाएगी, बट काम नहीं चलता है उससे। मुझे एक्चुअल फॉल्ट ढूंढना था। तो यहाँ पे देखिए, ये VCC है, ये चार्जिंग IC लगी हुई है, इसकी VCC है। यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट आ रही है, जबकि यहाँ पे मुझे कितनी चाहिए 19 वोल्ट इसकी VCC पे। तो ये यहाँ पे आ रही है इस डायोड के थ्रू, ये डायोड पे देखिए यहाँ 20 वोल्ट है,
बट दूसरी साइड इसके 3 वोल्ट है। तो इस डायोड को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस डायोड को बदल लेंगे अगर ये ख़राब होगा तो। डायोड मोड पे लगाया मैंने ये मल्टीमीटर, देखिए इधर से कोई वो नहीं है, मतलब रीडिंग क्वांटिटी, और इधर से भी नहीं है, मतलब ये डायोड ओपन हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम है इस बोर्ड में। फ़िलहाल हम इस डायोड को बदलेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या है। फ़िलहाल अभी मैंने फॉल्ट ढूंढा है, रिजॉल्व नहीं किया। एक्चुअली किसी ने पहले ही यहाँ जम्पर वम्पर मार रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये फ़िलहाल डायोड मैंने निकाल लिया है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखिए, ये यहाँ पर आपको जम्पर दिखाई दे रहा है क्या? ये देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। और ये जो डायोड लगा हुआ, ये डायोड के आगे एक रेजिस्टेंस था, किसी ने उखाड़ के यहाँ भी जम्पर मारा हुआ है, ये देखिए। और ये इस वाली लैग से इस वाली लैग पे जम्पर मारा हुआ है। तो ये किसी ने क्यों मारा था आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं, मैं उसे छेड़ भी नहीं रहा हूँ क्योंकि काम बढ़ जाता है कई बार उसकी वजह से। हमें एक डायोड चाहिए, और डायोड के लिए मुझे एक स्क्रैप बोर्ड चाहिए। तो स्क्रैप बोर्ड में डायोड मुझे मिल गया है, बस इसे सीधा उल्टा देख लूँ एक बार। ये लगा हुआ तो है, देखते हैं इससे काम चलेगा या नहीं। फिलहाल इसे निकाल लेता हूँ, पता नहीं ये जीनर है या फिर नॉर्मल डायोड है। ये डायोड मैंने निकाल लिया है, और से यहाँ लगाने वाला हूँ मैं। इसे सीधा लगना चाहिए, अगर उल्टा लग गया तब भी वोल्टेज पास नहीं होगी। मुझे एक बार इसे देखना है कि ये सीधा है उल्टा है, उल्टा है एक्चुअली, ऐसे लगेगा ये। हाँ ऐसे लगेगा, तो हम इसे एक बार लगा लेते हैं। ठीक है, ये ठीक से लग गया है। एक बार देख लेते हैं, उल्टा तो नहीं लगा दिया मैंने। तो किधर गया भाई? ठीक है, बस थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे, उसके बाद इसे एक बार चेक करेंगे कि 19 वोल्ट हमारी पास करती है या नहीं। पता नहीं, अब मैंने फ़िलहाल यही देखा कि VCC नहीं आ रही थी उसके पास, बाकी मैंने चेक नहीं किया अभी इस डायोड को बदलने के बाद क्या होने वाला है। तो मैं एक बार पिन लगाता हूँ। यस, मेरी वोल्टेज पास हो गई आई थिंक, क्योंकि मेरी DC मशीन बता रही है मुझे। और यहाँ पे देखिए आप, वोल्टेज रेंज पे मल्टीमीटर को रखता हूँ, ये 20 वोल्ट, और इसके दूसरी साइड 20 वोल्ट। ये डायोड वोल्टेज पास नहीं कर रहा था, डायोड ओपन हो गया था ये वाला। तो अब हम इसे ट्रिगर करके देखेंगे। रैम नहीं लगाई है फ़िलहाल मैंने इसमें। अगर मैं इसे ट्रिगर करूँ तो क्या ये ट्रिगर होगा? यस, मेरा वो ट्रिगर हो गया है। तो मैं रैम लगा के एक बार डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। फिलहाल एक रैम लगा रहा हूँ, नीचे की तरफ लगाता हूँ ताकि मुझे निकालनी ना पड़े। ये लगाया मैंने इस पर, और ट्रिगर करने के लिए एक बार कीबोर्ड भी लगा लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख पाएँ। ठीक है, ये लगा दिया, और ये मैंने कीबोर्ड भी लगा दिया है डिस्प्ले एक बार चेक करने के लिए, और इसे मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। यस, ये बोर्ड ट्रिगर हो गया मेरा। यहाँ पर डिस्प्ले आया या नहीं आया वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। डिस्प्ले नहीं आया,
इस डिस्प्ले आ गया, ये कीबोर्ड ठीक से नहीं लगा था, आप ये देख सकते हैं प्रॉपरली डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे पैक करता हूँ फ़िलहाल के लिए, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा रहा हमारा सफ़र। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। गाइस, मैंने इसमें बोर्ड फिट कर लिया है और ये ट्रिगर करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है जो कि हमें रिजॉल्व करनी होगी, वरना कस्टमर का बहुत लॉस होने वाला है। ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा पिक्चर, इसमें देखो आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है। अब इसकी डिस्प्ले भी प्रॉब्लम कर रही है, तो मुझे इसकी डिस्प्ले रिपेयर करनी होगी, और मैं इसकी डिस्प्ले रिपेयर करता हूँ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इसकी डिस्प्ले कैसे रिपेयर होगी। अगर हो जाती है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, अगर नहीं होती है तो मैं कस्टमर को बोलूंगा कि आपको डिस्प्ले नहीं लगानी पड़ेगी। फ़िलहाल हम उसे खोलेंगे और डिस्प्ले बनाने की कोशिश करेंगे कि बनती है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको कैसे रिपेयर की। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।